ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आज के चैप्टर का नाम है बोलाराम का जीव। लेखक है हरिशंकर बरसाई। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क, बोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? उत्तर, बोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। ख, नारद बोलाराम का घर कैसे पहचान गए? उत्तर, माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन सुनकर नारद बोलाराम का घर पहचान गए। ग, धर्मराज के अनुसार नर्क में इमारतें बनाकर रहने वाले में कौन कौन शामिल है? उत्तर, धर्मराज के अनुसार नर्क में इमारतें बनाकर रहने वालों में ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियर आदि सभी शामिल हैं। घ, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई, यह किसका कथन है? उत्तर, यह कथन धर्मराज का है। पांचवा क्वेश्चन, बड़े साहब ने नारद को बोलाराम के दरख्वास्तों पर वजन रखने की सलाह दी, यहाँ वजन का अर्थ क्या है? उत्तर, यहाँ वजन का अर्थ है रिश्वत। चौ, बोलाराम का घर किस शहर में था? उत्तर, बोलाराम का घर जबलपुर शहर में था। छ, बोलाराम को सेवानिवृत्त हुए कितने वर्ष हुए थे? उत्तर, बोलाराम को सेवानिवृत्त हुए 5 वर्ष हुए थे। ज, बोलाराम की पत्नी बोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया? उत्तर, बोलाराम की पत्नी ने बोलाराम को गरीबी की बीमारी का शिकार बताया। ज, बोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया नहीं दिया था? उत्तर, बोलाराम ने मकान मालिक को 1 साल से किराया नहीं दिया था। ज, बड़े साहब ने नारद से बोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा? उत्तर, बड़े साहब ने नारद से बोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले नारद से उनका बीना मांगा। तो बोलाराम के जीव शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? उत्तर, बोलाराम का जीव शीर्षक पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। धर्मराज का क्या काम है? धर्मराज का काम यह है कि वह सिफारिश के आधार पर लोगों को स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संक्षेप में उत्तर दो। क, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, यहाँ किस घटना का संकेत मिलता है? उत्तर, यह इस घटना का संकेत मिलता है कि बोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ धर्मराज के दरबार के लिए रवाना हुए, परंतु वे अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। ख, यमदूत ने बोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में क्या बताया? उत्तर, यमदूत ने बोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में यह बताया कि उसने बोलाराम के जीव को पकड़ा और स्वर्गलोक के लिए यात्रा आरंभ की। नरक के बाहर जब यमदूत ने उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, उसी समय ही वह उसके चंगुल से छूटकर गायब हो गया और उसका कहीं पता नहीं चला। ग, धर्मराज ने नरक में किन किन लोगों के आने की पुष्टि की? उन लोगों ने क्या क्या अनियमितताएं की थी? उत्तर, धर्मराज ने नरक में ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियर इत्यादि लोगों के आने की पुष्टि की। उन लोगों ने निम्नलिखित अनियमितताएं की थी। क, ठेकेदार ने पूरे पैसे लेकर आधी इमारतें बनाई। ख, इंजीनियरों ने ठेकेदार के साथ मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने गरीब मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा था। ग, बोलाराम की पारिवारिक स्थिति पर प्रकाश डाले। उत्तर, बोलाराम की पारिवारिक स्थिति बहुत ही मार्मिक तथा दयनीय थी। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। नौकरी से 5 साल पहले रिटायर हो गया था। उसने अपने मकान का किराया 1 साल से नहीं दिया था, परंतु इससे पहले ही बोलाराम इस संसार को छोड़कर चला जाता है। पांचवा क्वेश्चन, बोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। दफ्तर के बाबू के ऐसा कहने का क्या आशय था? उत्तर, दफ्तर के बाबू के ऐसे कहने का आशय था कि बोलाराम ने अपने पेंशन के लिए दरख्वास्तें तो भेजी थी परंतु उसके साथ रिश्वत नहीं दी, इसलिए दरख्वास्तें कहीं इधर उधर उड़ गई होगी। चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी? उत्तर, चपरासी ने नारद को सलाह दी कि महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें कुछ कर लिया तो अभी आपका काम हो जाएगा। छह, बड़े साहब ने नारद को बोलाराम के पेंशन केस के बारे में क्या बताया? बड़े साहब ने नारद को बताया कि आप बैरागी हैं तथा दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में बोलाराम ने वजन अर्थात रिश्वत नहीं देकर गलती की है, इस वजह से आज बोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं। आप उन पर वजन रखिए, आपका काम हो जाएगा।
जो पोला रंग का जीव शीर्षक व्यंग समाज में फैले रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है। इस कथन की पुष्टि करो। उत्तर, पोला रंग का जीव शीर्षक व्यंग कहानी में कहानीकार ने यह दिखाया है कि आधुनिक समाज व्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी हर सरकारी दफ्तर में फैली है। इससे हर व्यक्ति प्रभावित है। 5 साल पहले बोलाराम सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे। दरख्वास्त देते देते गुजर गए, पर रिश्वत न देने के कारण उनके पेंशन मंजूर नहीं हुई। यह समस्या मात्र बोलाराम की ही समस्या नहीं है, इसके द्वारा लेखक ने आम आदमी की परेशानी को सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट करो। क, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। उत्तर, इस उक्ति का आशय है दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती, वह दबती है तो सिर्फ रिश्वत से। आज के युग में पेपर वेट की जगह रिश्वत ने ले ली है। यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। उत्तर, जब नारद बड़े साहब से भोलाराम के पेंशन केस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बड़े साहब कहते हैं कि दफ्तर भी मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य के लिए रिश्वत आज जरूरी है। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए द्वंद समासों के भेद लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। मतलब खाना पीना, माँ बाप, रुपया पैसा, भात दाल, सीताराम, धर्मा धर्म, थोड़ा बहुत, ठंडा गर्म, उत्थान पतन, आकाश पताल, घर द्वार। खाना पीना, खाना पीना मतलब तो पता ही होगा आपको, खाना और पीना, यह है समाहार द्वंद समास, और इसको वाक्य बनाना है। जैसे कि हमें समय पर खाना पीना खाना चाहिए या करना चाहिए। ख, माँ बाप, माँ और बाप, यह है इतरेतर द्वंद समास वाक्य, मोहन अपने माँ बाप का एकमात्र सहारा है। घर द्वार, घर और द्वार, यह है समाहार द्वंद समास वाक्य, महेश का घर द्वार सुंदर है। घ, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, इतरेतर द्वंद समास, गरीब के पास रुपया पैसा नहीं होता है। पांचवा, भात दाल, भात और दाल, समाहार द्वंद समास, बच्चा भात दाल खा रहा है। सीताराम, सीता और राम, इतरेतर द्वंद समास, सीताराम हमारे आराध्य देवी देवता है। छह, धर्माधर्म, धर्म धर्म और धर्म, समाहार द्वंद समास, महापुरुष धर्माधर्म का विचार करते हैं। जो थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, वैकल्पिक द्वंद समास, मेरे पास थोड़ा बहुत धन अभी भी शेष है। झ, ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म, वैकल्पिक द्वंद समास, सेठ ठंडा गर्म के चलते बाहर नहीं जा रहे हैं, सेठ ठंडा गर्म के चलते बाहर नहीं जाता है। न्य, उत्थान पतन, उत्थान या पतन, वैकल्पिक द्वंद समास, हम अपने जीवन में तरह तरह के उत्थान पतन का सामना करते हैं, हम अपने जीवन में तरह तरह के उत्थान पतन का सामना करते हैं। ट, आकाश पताल, आकाश या पताल, वैकल्पिक द्वंद समास, हरि ने परीक्षा की तैयारी में आकाश पताल लेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ में दिए गए निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बताओ। यहाँ आपको शब्द पहचानने हैं और भाववाचक संज्ञा क्या है बताना है। जैसे कि अमीर गरीब, गरीब गरीबी, खराब खराबी, असमर्थ असमर्थता, त्यागी त्याग, तलाश तलाशी, बहुत बहुतायत, गृहस्थ गृहस्थी, अभ्यस्त अभ्यास, परेशान परेशानी, चिल्लाना चिल्लाहट, बहुत बहुतायत, बीमार बीमारी, बीमार बीमारी, कारीगर कारीगरी, मूर्ख मूर्खता, नेता नेतृत्व, वास्तविक वास्तविकता, ऊंचा ऊंचाई,